हेलो एवरीवन, और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आज है संडे का दिन और मैं अभी निकल गया हूँ घर से, थोड़ा वॉक के लिए भी जाएंगे। और बारिश है कंटिन्यू नैनीताल में, सुबह से ही बारिश है यहाँ पे। और बस चलते हैं मार्केट की तरफ को और दिखाता हूँ मैं आपको क्या कुछ है नैनीताल में, कितना टूरिज्म जो कि लोग घूम रहे हैं। और आइए चलते हैं। और आइए, अभी हम पहुँच गए हैं मोहनकोट चौराया बोलते हैं इस एरिया को। तो देखें यहाँ पे कुछ ऐसा है अभी के समय, और सारे ही लोग जो कि है अपने वाटरप्रूफ विंडशीटर ये सब पहन के बाइक में और छाता लेके, देखें क्योंकि यहाँ पे सुबह से ही बारिश है। और ये वे है बारा बाज़ार का, तो आइए चलते हैं दूसरी तरफ। और आइए इस तरफ से हम चलते हैं, यहाँ को है बड़ा बाज़ार। और प्रीवियसली भी मैं आपको इधर की तरफ लेके गया था, और मगर अब के समय आपको मैं इधर की तरफ चलते हैं नीचे। और यहाँ पे फेमस नमकीन का शॉप है, बवारी नमकीन, तो आइए मैं लेके चलता हूँ, शायद वो शॉप ओपन होगी अभी। और स्टार्टिंग में ही यहाँ पे जलेबी का शॉप है, नैनीताल की फेमस जलेबी आपने सुनी होगी। और इसी के जस्ट नीचे देखें तो यहाँ पे नमकीनों की जो भी है सामने आमने सामने दुकानें हैं। तो ये देखें, एक शॉप ये है और इसके अपोजिट में ये है बवारी नमकीन। और यहाँ पे काफ़ी सारी अमेजिंग आपको नमकीन अवेलेबल रहती है, तो बड़ी एकदम फ्रेश और हॉट एकदम ताज़ी बनी हुई। और ये जो रास्ता है इधर सामने, यहाँ पे बेकरीज है और यहाँ की नंबर वन बेकरी सबसे बेस्ट है। तो ये देख सकते हैं आप, इसका नाम है नंबर वन बेकरी शॉप। और इस तरफ को है बीच वाली मार्केट, तो आइए इधर से चलते हैं और रिकनेक्ट होते हैं खड़ी बाज़ार में। और इस मार्केट में देखें तो आपको मेडिकल स्टोर और एज वेल पेट्स के लिए एक फेमस शॉप है, अगर आप पेट्स ओन करते हैं तो यहाँ पे आपको ए टू जी सब कुछ मिल जाएगा, आगे रूल्स लिखा हुआ है। और भी काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं नीचे वाली मार्केट है ये बड़े बाज़ार से। तो ये वाला शॉप है मेडिकल एंड जनरल स्टोर हमारे सामने, तो यहाँ पे आपको ए टू जी पेट्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी आपको मेडिकल्स यहाँ से अवेलेबल रहती हैं सारी। और यहाँ पे देखें शूज़ का दुकान है। और आज बारिश होने की वजह से नैनीताल में बहुत सारा रश नहीं नज़र आ रहा है अभी के समय, और काफ़ी सारे होटल्स हैं आगे वाली लाइन में। तो हम खड़ी बाज़ार पहुँचने ही वाले हैं। और आइए हम पहुँच गए हैं मलिकल खड़ी बाज़ार, और आइए दिखाता हूँ आपको यहाँ पे जो कि कुछ शॉप्स ओपन हैं और कुछ क्लोज हैं। और ये खड़ी बाज़ार हमारे कुमाऊँ को रिप्रेजेंट करती है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। और सामने ही देखें तो यहाँ पे यहाँ का प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है ऊपर की तरफ, तो ये सीढ़ियों में, और कुछ पर्यटक सैलानी हैं। और यहाँ के शटर्स में आप देख पा रहे हैं हमारी कुमाऊनी कल्चर को जो कि रिप्रेजेंट किया गया है। और मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ। और यहाँ पे है बैग्स का शॉप और कुछ शॉप्स अभी जो भी क्लोज हैं। तो ये देखें कुछ इस तरीके से जो कि है आर्टिस्ट ने इनको प्रोड्यूस किया है शटर्स में। और अगर आप फास्ट फूड खाने के शौकीन हैं तो आप सामने द लाइफ किचन रेस्टोरेंट है, और सुना है काफ़ी इनके फेमस जो कि है मोमोज रहते हैं। और इसी के जो अपोजिट में केक का भी शॉप है, और ये सारा है खड़ा बाज़ार। और देखें तो मैं अभी खड़ी बाज़ार के जस्ट नीचे स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ, और सामने हमारे प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और यहाँ से देखें बहुत ही सुंदर दृश्य है खड़ी बाज़ार का। और खड़ी बाज़ार से ही सीधा आप जब नीचे की तरफ लास्ट एंड में पहुँचते हैं तो ये मार्केट है नॉनवेज मार्केट, और जिन लोगों को नॉनवेज पसंद है तो आप लोग यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं।
हम इस एरिया में हैं। इस एरिया का नाम गाड़ी पड़ाव है और ये देखें यहाँ पे कुछ इतना शॉप्स हैं। और मल्लिकल जामा मस्जिद के सामने अभी हम हैं तो यहाँ पे थोड़ा काफ़ी रश है। मैं गाड़ियों का वेट कर रहा हूँ कि मैं आगे निकल पाऊँ क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा केयरफुली वॉक करना पड़ता है। और ये देखें बड़ी सुंदर सी ये जामा मस्जिद है। ये रूट वन वे है और सामने से ही आपको राइट हैंड टर्न लेना होता है जिसमें कि आप लोग कालादुंगी रामनगर और देहरादून के लिए जाते हैं। और अभी हम फ्लैट्स में इस तरफ पहुंच गए हैं जस्ट अपोजिट जामा मस्जिद के। तो यहाँ से कुछ ऐसा सुंदर दृश्य है और इधर की तरफ है स्नो व्यू। तो आप ये देखें एक सुंदर जो कि पहाड़ों में कोहरा चढ़ाई कर रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से। ये हम इधर की तरफ आ गए हैं, सामने हमारे सिनेमा टिकट काउंटर है और ये काउंटर कैपिटल सिनेमा हॉल में एंट्री के लिए है आपके। और सामने ही है चाय सुट्टा बार और इस कॉर्नर से आपको चाय अवेलेबल रहती है। और आइए मैं थोड़ा आगे तक आपको घुमा के लेके आता हूँ। आगे है वीडियो गेम्स पार्लर और अमेजिंग लेक का व्यू और बोट स्टैंड आपको यहाँ पे से और पैडल बोट्स आपको हायर करने को मिलेंगे। और इधर की तरफ देखें तो यहाँ पे पूल और स्नूकर का फैसिलिटी अवेलेबल है आपको। ये जूमलैंड का एरिया है तो अंदर देखें सामने टेबल्स में और आजकल यहाँ पे बैडमिंटन भी खेल रहे हैं तो मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ये स्केटिंग के लिए है रिंक हॉल। और ये है वीडियो गेम पार्लर। और यहाँ पे रिक्शा खड़े होते हैं और पैडल बोट्स का सेंटर आपको आगे से मिलेगा। तो मैं आगे चलते हैं और ये रिक्शा देखिए नैनीताल में पुराने रिक्शा और ये ऐसे ही चलते हैं पहले से ही। और अब इलेक्ट्रिक रिक्शा भी जो कि गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर दिए हैं। और ये है पैडल बोट सेंटर जो कि अभी क्लोज है, शाम का समय हो गया है और बारिश का भी दिन है आज से शायद। और कुछ ऐसा है ये नीचे से उतर तो ये देखो अमेजिंग, यहाँ से सारी पैडल बोट्स आपको अवेलेबल रहती हैं। और मुझे अभी जस्ट रियलाइज़ हुआ कि शाम का भी समय हो गया है और अभी समय है 5:42 का समय है और बोटिंग्स नैनीताल में बंद हो गई हैं क्योंकि शाम को बोट्स चलना बंद हो जाती हैं। और हम पहुंच गए हैं श्री माँ नैना देवी जी के मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में। और आइए इधर की तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर में कितने भक्त के श्रद्धालुगण की संख्या है अभी के समय। तो आइए मैं इधर की तरफ से अंदर चलते हैं। और सामने ही देखें श्री माँ नैना देवी जी के मंदिर का सुंदर सा दृश्य। और बाहर प्रवेश द्वार से ही अंदर आते समय आप देखें तो स्क्रीन डिस्प्ले के माध्यम से ही माता जी के दर्शन संभव है। और कुछ ऐसी हैं माता जी। रहिए फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं ठंडी सड़क स्थित बोट स्टैंड पे और अंदर की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा व्यू है। और अभी
तो सारी बोट्स और बोटिंग्स बंद हो गई। तो इस तरफ है ये बोट स्टैंड और नैनीताल के हर किसी कॉर्नर से आपको सेम प्राइजेस अवेलेबल रहेंगे बोटिंग्स के। और लेक का आप अगर लेवल देखें तो काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो ये बहुत नीचे रहता है क्योंकि बारिशें नहीं होती, अभी तो कंटिन्यूस बारिशें चल रही हैं। और इसी कॉर्नर से है व्यू हमारे अगेंस्ट में, सामने ही बोट हाउस क्लब है। तो देखिए थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। और इधर की तरफ है सारी मॉल रोड। और हमारे सामने ही है श्री माँ नैना देवी जी के मंदिर का सुंदर सा दृश्य। तो आप देखें अभी के समय कुछ इतने भक्त श्रद्धालुगण यहाँ से नजर आ रहे हैं। और ये ठंडी सड़क में कुछ आगे तक चलते हैं और अभी के समय का आपको यहाँ से जो व्यू है सुंदर सा वो शेयर करता हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो आइए चलते हैं। और आज के दिन मैं सुबह से ही आउटडोर्स नहीं आया था, तो ये देखें बोट्स में कुछ इतना पानी भरा है। तो इससे ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज बोटिंग्स नहीं हुआ होगा। और ठंडी सर के बाद हम लोग चलेंगे सीधा ही मॉल रोड और ज़रूर ही वहाँ पे जो कि है पर्यटक सैलानी अभी के शाम को आनंद उठा रहे होंगे इस बारिश के मौसम का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करूँगा। और सामने ही हमारे चाट पार्क है, हम आ गए हैं ठंडी सड़क से और इस समय यहाँ पे कुछ इतना रश है। और ये है तिब्बतन मार्केट मलिकल। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर से चलते हैं और आगे तक देखते हैं यहाँ पे कितने पर्यटक सैलानी अभी के समय मौजूद है। तो आइए चलते हैं। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी क्लोथिंग्स अवेलेबल रहती हैं आपको। और सामने ही इसके एंड में अगर आप पहुँचे तो वहाँ पे है सोनम मोमोस और यहाँ पे है परफ्यूम का वन एंड ओनली शॉप। और देखिए यहाँ पे काफ़ी वैरायटीज़ में आपको परफ्यूम्स अवेलेबल रहती हैं और क्लोथिंग तो आपको हर शॉप में ही आपको अवेलेबल रहेगी हर एज ग्रुप के लिए। तो आप देख सकते हैं कैसा कलेक्शन है यहाँ पे। तो मोस्टली शॉप्स यहाँ पे क्लोज हैं क्योंकि रेनी डे है एज वेल, और आज संडे का भी दिन है तो इस वजह से लगता है लोगों ने जो कि है ब्रेक ले लिया है। तो मैं थोड़ा धीरे मूव करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ये सारे कलेक्शंस देखने को मिले। और इस कॉर्नर में अगर आप जाएंगे तो आपको वुडन की बहुत अमेजिंग चीज़ें आपको यहाँ से अवेलेबल रहती है। तो अंदर ही काफ़ी लंबा शॉप है और एज वेल यहाँ पे वुमेंस आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी अवेलेबल रहती है। और हम पहुँच ही गए हैं इस एंड में और यहाँ पे हैं सोनम मोमोज। और ये देखें उनकी इंफॉर्मेशन ये है मेन, ये वेडनेसडे इसको नॉन वेज सर्व नहीं करते हैं और यहाँ पे आपको ऐसे स्टैंडिंग में खाना होता है। बहुत ही अमेजिंग मोमो होते हैं। आइए मैं इनकी क्रिएशन आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस कॉर्नर में इनका जो कि ये क्रिएट करते हैं और यहाँ पे देखें और इसके जस्ट ही यहाँ पे थोड़ा सा आगे चल के इनका किचन थोड़ा आगे था और अभी यहाँ पे देखें तो कुछ ये शॉप है। बड़े ही अमेजिंग लगे हुआ मोमो रहते हैं इनके। और ये मार्केट जस्ट मलिकल में पहुंचने वाला हूँ यहाँ से और स्टार्टिंग में यहाँ तक ये शॉप से और इसके आगे आपको शॉप से ये मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको फुटवेयर और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं। और इसके जस्ट नेक्स्ट में है स्टोर और ये है पी एम एफ एम ई स्टोर।
और ये गवर्नमेंट का जो कि स्टोर रहता है, और यहाँ पे आपको दाल से लेकर के सारे ही घर में विलेजेस में बने प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल रहते हैं। तो प्रोडक्ट्स जैसे कि घर का बना अचार और एप्पल की आर्ट, हमारी कुमाऊनी आर्ट्स होती हैं, तो ऐसे भी फ्रेम्स ये लोग शेयर करते हैं यहाँ पे लोगों के बनाए हुए आर्ट्स को। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे कि बुराश का जूस, और इस तरीके के आपको सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। EFMF स्टोर है, तो ये जो सिबिदन मार्केट के स्टार्टिंग में ही है। तो अब चलते हैं मॉल रोड की तरफ, तो आइए चलते हैं। मगर उससे पहले अभी के समय यहाँ का अमेजिंग लुक देखिए। तो ये विदाउट एडिटेड है और एकदम वार्म जो कि लाइट है इवनिंग की। तो आइए हम अभी थे सामने की तरफ और अब हम इधर की तरफ आ गए हैं। उससे पहले मैंने सोचा आपको अमेजिंग ये व्यू दिखा दूँ इवनिंग का। और इधर ही हमारे अगेंस्ट में है बास्केटबॉल कोर्ट, और सामने ही देखे तो यहाँ पे है द लॉन्च रेस्टोरेंट एंड बार, और इसके जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपको रेस्टोरेंट्स और पेस्ट्री शॉप्स मिलेंगी, द सेकलेस और चॉकलेट रूम, ये सारी कुछ इस एरिया में अवेलेबल है। तो आइए हम चलेंगे मॉल रोड की तरफ को, और सामने ही नीचे मॉल रोड का एरिया है। और आइए, अभी वक्त हो गया है 6:22 का, और रोज़ाना 6 बजे मॉल रोड क्लोज़ हो जाती है, अपर मॉल रोड क्लोज़ होती है। तो देखें यहाँ पे बैरिकेटिंग है और ये शाम तक लगी रहेगी, तो 8 बजे तक आपके पास समय रहता है मॉल रोड में आराम से घूमने के लिए अपर मॉल रोड में। और यहाँ पे देखें तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, और आपको एज वेल क्लोथिंग स्टोर्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो देखें तो इधर सामने ही ये ब्रांड्स हैं। और आज कुछ बहुत ज़्यादा रश नहीं अभी नज़र आ रहा है मॉल रोड में। और हम पहुंच गए जस्ट स्टार्टिंग में ही है मेथोडिस्ट चर्च मॉल रोड, ये देखिए। और इसी के नेक्स्ट में आपको मिलेगा मचान रेस्टोरेंट, और ये यहाँ का काफ़ी पॉश एरिया जो कि माना जाता है। और चलिए मैं आपको आगे की तरफ ही लेके चलता हूँ। तो इस एरिया में अच्छा लगता है थोड़ा घूमने का, और इधर के अगेंस्ट में देखें तो लेक का बहुत ही शानदार यहाँ से व्यू रहता है साइड बाई साइड। और यहाँ से देखें तो मॉल रोड में प्लेस टू प्लेस सीढ़ियाँ हैं, और नीचे ही है R&B का शॉप। और इसके अगेंस्ट में अगर आपको मॉल रोड में मेडिसिन की ज़रूरत है तो वन एंड ओनली यहाँ पे मोहिंदर मेगा मार्ट है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं मेडिसिन के साथ साथ। और हमारे जो अपोजिट में कुछ ऐसा यहाँ पे जो कि शॉप्स हैं सदासंस, बाटा और प्रिंसेस, और हमारे इधर से, और यहाँ से फोटोजेनिक प्लेसेस शुरू हो जाती हैं क्योंकि यहाँ से लेक का व्यू आपको खुला खुला मिलता रहता है। और यहाँ पे है नारायण बुक शॉप, तो अगर आप बुक रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे आपको नॉवेल्स और बुक्स यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। और इसी के जस्ट नेक्स्ट में है कैंडल बाज़ार, और देखें अभी शाम के समय तो काफ़ी अमेजिंग ये लाइट है। और सामने की तरफ से हम अभी आ रहे हैं, कैपिटल सिनेमा हॉल है हमारे अगेंस्ट में, और श्री माँ नैना देवी जी का मंदिर है। सो व्यूअर्स, लेट्स एंड अप दिस वीडियो एंड सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन।